चलिए आज की क्लास है, जैसा कि हम लोग फोन में बता दिया था हमने, ये आज की क्लास है आंसर राइटिंग संबंधित। जी सर, कैसे बढ़िया लिखा जाए, क्या डिमांड होती है, बहुत सारी बातें इसी के संदर्भ में आज करेंगे। बाकी हम लोग आई आर पढ़ रहे थे, आज आपकी पहली क्लास है हमारे साथ, बने हम लोग आई आर पढ़ रहे थे, तो आ जाएगी आपकी क्लास दो दिन की गई एक दिन के लिए, एक दिन हमको कंजा रखेंगे। चलिए बिना समय गवाए हमको शुरू करें, कैसे बढ़िया से ऐसा रखेंगे मान सकते हैं। आपके एक निबंध का पेपर होगा, कितने नंबर का,
एक नंबर का नहीं सर। कितने नंबर का होता है निबंध का पेपर? हाँ, 8 नंबर का आपका निबंध का पेपर होगा और 4 पेपर होते हैं जीएस के। 8 नंबर कितना हो गया? 8 गुणे 4 250 गुणे 4 1000 और 250 1200 नंबर का आपका निबंध और जीएस और एक अपना सब्जेक्ट होता है आपके लिए। अपना सब्जेक्ट कितने नंबर का होता है? 4 5 5 8। तो टोटल आपके नंबर हो गए एक बात पूरी की जितनी तो आपको समझ ही नहीं लगता है कि मैं आपका एक जीएस फर्स्ट का पेपर होता है एक होता है जीएस ठीक है। ये दोनों का नाम लेकिन दोनों में जीएस नहीं आते वो बात यह है ये आपका होता है फर्स्ट पेपर होता है जीएस के 100 यानी जनरल स्टडी और दूसरा जो होता है होता है सी साइड क्योंकि दोनों पेपर दोनों को नंबर होते हैं ये होता है क्वालिफाइंग। अब इससे बनती है आपकी मेन थोड़ी दी थी इसमें आंसर राइटिंग में सब भी इसे सम्मिलित नहीं है ये तरह से स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब होता है कि किसी एग्जाम में ऐसे लोगों को 12 कर दिए हैं शुरुआती चरण में ही उनको मेन्स तक पहुँचने ही न दे रहा है कि जो गंभीर हुए ठीक है। ऐसे लोगों का हम अपने क्यों चार चार बार आपके दिलवाएँ एग्जाम को लेकर गंभीर उनको क्या किया गया था एक महीने का पेपर पहले दिलवा दिया था 12-13 मतलब मान लीजिए कि आपको 12,000 फार्म अप्लाई किए 6,000 6 लाख लोगों को आप मेन्स दिलवाएंगे बहुत ज़्यादा खर्चा दिया जाएगा बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा वो बात नहीं जो बात ठीक है बात ठीक है। उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट करके इनको पहले से ही बाहर कर दिया जाता है। दूसरा स्टेज होता है आपका मेन्स का मेंस में लिया क्योंकि यहाँ पे लोग ध्यान देना है कि आपका 300 नंबर का जो पेपर निकल होता है वो एक तरह से क्वालिफाइंग क्वालिफाई होता है अपने नंबर नहीं होते एक होता है अंग्रेजी का पेपर जी सर ठीक है उसको आपको क्वालिफाइंग करना रहता है बेसिक जो अंग्रेजी में विचार एक कोई भारतीय भाषा होनी चाहिए कोई भारतीय भाषा जो कि आप उसमें क्वालिफाई करना है उसको नहीं बोलेंगे क्योंकि उसकी चर्चा करने के लिए क्योंकि वो एग्जाम में उसके नंबर कम होते हैं लेकिन उसको भी आपको क्वालिफाई करना होता है। जैसे आप मेंस में जाएंगे क्योंकि तो पहला पेपर उसी का होगा फिर क्वालिफाई करके आएंगे तो वही उसी का पेपर पहला होगा एक अंग्रेजी का 300 नंबर का और एक भारतीय भाषा कोई नहीं जो 8वीं अनुसूची में शामिल है ठीक है उसका वो क्वालिफाई करेंगे तभी आगे की कामी आपकी चल रही है इतना उसका प्रभाव होता है लेकिन उसमें पास में भी आपकी कामी नहीं ठीक है। अब आते हैं इसमें मेंस मेंस में होता है पेपर निबंध का कितने नंबर का 250 और जीएस के होते हैं 250 नंबर के 4 ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है यानी 1000 नंबर सीधे से आपके एक ही मिल जाने जीएस 2000 नंबर में से 1000 नंबर आपको जीएस में सीधे ही मिल जाना ठीक है। और जो मेरिट जाती है भूगोल का एक फर्स्ट पेपर होगा और एक सेकंड पेपर होगा विश्व का भूगोल रहेगा सेकंड पेपर में भारत का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है ये भी आपका कितने नंबर होता है 5 नंबर। इसमें भी आप पूर्ण रूप से देखेंगे तो आंसर राइटिंग स्किल की ही मात्रा इसमें भी हमें दिखाई देती है क्योंकि इसमें भी लिखना ही ना केवल जो है वो विकल्प टाइपिंग पर कोई नहीं होते हैं इसमें केवल लिखना होता है 20-20 प्रश्न होते हैं उनको आपको 3 घंटे के अंदर लिखना होता है। आप सोच कितने नंबर हो गया 1000 1500
सत्रह सौ पचास हमारा क्या होगी रिटर्न एग्जाम, यानी टोटल 1750 नंबर आपके ऐसे नंबर हैं जो आपके लेखन कौशल पर निर्भर, इस पर निर्भर है लेखन कौशल पर निर्भर, ठीक है। अगर आपकी लेखनी सही होगी तो तय मान लीजिए इसमें से 1750 में से अगर आप 8 नंबर भी ले आए, यानी 50% से भी कम नंबर यहाँ पे आप हासिल कर लिए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि इंटरव्यू आपका इसमें 4 नंबर का होता है, 275 नंबर का होता है, ठीक है। तो ज़्यादा 2025 275 नंबर का अगर आपका इंटरव्यू है, हमारे हाल में देखा इंटरव्यू का बहुत देखा परफॉर्मेंस करेंगे, हमारे हाल में से अपना नाम मुझे नाम ही बोल रहा है अलवरी में, अपना नाम उनके पता बता दें, उसमें आपको दिख जाएगा कि अगर 700 का नंबर अगर आप ले आते हैं 2000 के पर प्रॉपर आईएस नहीं बन पाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके पीछे के जो राइट होते हैं वो सब आपको मिल जाएंगे, और आईएस में यूपीएससी में कोई भी ऐसा पद नहीं होता, ठीक है, कि जो किसी को बाबू कहना पड़ेगा, ठीक है सर। मैं आप सीधे पे ही बैठेंगे, अगर आप इनकम टैक्स में नहीं हैं तो इनकम टैक्स कमिश्नर बनाए जाएंगे, एक मंडल की एक व्यक्ति होता है, ठीक है, मंडल मुख्यालय जहाँ होगा वहाँ की ऑफिस होगी, कोई भी पद होगा, रेलवे में बनाए जाएंगे, IRS अगर मान लीजिए इंडियन रेलवे सर्विसेज, ठीक है, उसमें आपको मंडल के रेलवे की एक व्यक्ति पद होता है, जिसको बोला जाए DRM, तो उसमें भी तेज देंगे, लेकिन क्या होता है उसमें स्कोप कम होता है, जैसे हमने प्रॉपर आईएस बनते हैं तो प्रॉपर आईएस का बहुत सारे स्कोप होता है, बहुत सारे विभाग मिल जाते हैं, बहुत सारे उसके पास आगे भी पहुँच जाते हैं, ज़्यादा संभावना है, लेकिन उसमें थोड़ा संभावना ही कम होती है। जैसे IRS में रेल से संबंधित पद आपको मिलती है, IRS अगर आपको रेवेन्यू सर्विस से संबंधित मिल जाएगा, उसमें राजस्व से संबंधित भी काम मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आंसर राइटिंग का 1750 में बड़ा, इसी प्रकार से UPPCS में अगर आप देखेंगे तो UPPCS में भी फ्री परीक्षा जो होती है इसी पैटर्न में उपयोग होती है, नंबर थोड़ा कम ज़्यादा होता है, जैसे उसमें जो DS फर्स्ट होता है ये 150 क्वेश्चन होता है, 150, ठीक है, और DS सेकेंड होता है ये 100 होता है, ठीक है, ये क्वालिफाइंग होता है, और ये जो होता है इसकी मेरिट बनती है 150। उसके बाद इसमें जो मेन्स होता है सिलेबस पिछले साल से बदल दिए, सिलेबस आंसर राइटिंग और ज़्यादा मार्क बनाते हैं, अब इसमें 6 पेपर होंगे इसके जीएस का, ठीक है, 6 पेपर, पेपर 2-2 समय पर कितने हो जाएंगे 12 यानी 12 नंबर खाली आपके जीएस में हो जाएंगे। एक निबंध का भी है, निबंध का भी अलग से, निबंध का भी है, हाँ बता रहे हैं, ठीक है, 12 नंबर आपके इसमें, यहाँ पे हिंदी उत्तर प्रदेश में हिंदी आने को बुला रहा है, एक पेपर होता है हिंदी का जिसमें आपको लेटर शामिल होता है, कार्यालय पर होता है, परिपत्र होता है, ठीक है सर, इन्होंने 150 नंबर का टोटल होता है, ठीक है, तो 150 नंबर हिंदी और 150 नंबर का इंग्लिश, यानी हिंदी और केवल मिला के 3 कितना होगा 1500 सौ नंबर का इसमें इंटरव्यू पहले इसमें भी ज़्यादातर 100 नंबर का था, लेकिन लेकिन इस 12 नंबर में भाई जीएस का एग्जाम मिलते हैं, यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और केंद्र का जो होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, दोनों में आंसर राइटिंग का बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मुझे 80-85% आपकी सफलता है इसी बात में निर्भर करती है
या कितना बेहतरीन या बेहतर लिखते हैं, ठीक है, अगर आप बहुत जानकारी रखते हैं, ठीक है, और आपके ऐसा राइटिंग स्किल बहुत खराब है, यानी प्रेजेंटेशन खराब, कहने का मतलब कि प्रेजेंटेशन में प्रस्तुतिकरण, ठीक है, आपका बहुत बेकार है, तो आप जानकारी बोल सकते हैं फिर आपका बेकार है, बहुत ज़्यादा दिमाग दिमाग स्टीम कर चुका है, एक पेज लिख दी कोई पढ़ नहीं पा रहा, पढ़ भी लेगा समझ नहीं पा रहा, क्योंकि फिर आपका ज्ञान बेकार चल रहा है, या आपको ज़्यादा जानकार सामने वाले को कोई बात आप समझा नहीं पा रहे, माथा बोल ले रहे हैं कुछ सामने वाले फर्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि आपकी जो योग्यता है आपका ज्ञान जो है वो व्यर्थ बेकार चला गया है, तो उसी प्रकार से आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे बहुत ज़्यादा जानकारी रख लेंगे गंभीर व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर आपका प्रस्तुतिकरण बेकार है तो मुझे किसी काम का वही चीज़ है, सामान्य जनजीवन में भी अगर किसी की उपयोगिता नहीं है तो उसका मूल्य बेकार रहता है, बिल्कुल बेकार रहता है, मूल्य नहीं हो जाता है, जिसकी उपयोगिता उसका मूल्य, ठीक है, तो उसी प्रकार से आंसर राइटिंग का अपना अगर मूल्य नहीं होता, इसका वेटेज नहीं होता, तो क्यों आंसर राइटिंग में इतना जोर दिया जाता है, ठीक है, तो इसका महत्व इन बातों का लग रहा है भैया जो इसका ज़्यादा महत्व, अगर आप UPSC का जो सिलेबस है उसकी वेबसाइट से आप डाउनलोड करेंगे, सिलेबस का जो एक तरह से अधिसूचना जो होती है जो कानून मंत्रालय के द्वारा जारी करती है, उसकी जो मेन्स का सिलेबस होता है, ठीक है, मेन्स के सिलेबस में शुरुआती लाइन में लिखा है कि मुख्य परीक्षा के बारे में थोड़ा सा एक हेडिंग दिया है कि मुख्य परीक्षा के अंतर्गत न केवल बच्चे के ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा बल्कि उसकी समझ और प्रस्तुतिकरण को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, यानी सीधी सी बात है कि वो आपके ज्ञान में बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि आप रट्टा वट्टा मार के बहुत सारा ज्ञान अर्जित करके बता पाए, ठीक है, आपकी समझ क्या है किसी चीज़ को लेकर, कितना जो है तेज डिसीजन आप ले पाते, डिसीजन कब ले पाएंगे, किसी चीज़ की समझ होगी, बिना समझ के डिसीजन ले नहीं सकते हैं, तो ये इस बात से ज़्यादा मैटर करेगा कि मुख्य परीक्षा में उस विद्यार्थी को ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा या ज़्यादा महत्व दिया जाएगा जिसके प्रस्तुतिकरण में इन बातों का जिक्र होगा, आंसर राइटिंग में बातें झलक के आएंगी सामने कि हाँ भैया इस बच्चे ने जो पूछा गया तो मिलता है, ठीक है, और जो अच्छे उत्तर होते हैं उसके सारे पैरामीटर भी फिट बैठ रहा है, ठीक है, तो ऊपर से ही इसी प्रकार की डिजाइन की जाती है UPSC में, अगर UPSC के प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न इस तरीके के परंपरागत प्रश्न नहीं पूछे जाते, पूरा स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ डाली, ठीक है, प्रश्न उसमें आखिर महात्मा गांधी पूरा शुरू से लेकर जन्म से मृत्यु तक पूरा ग्रंथ निपटा रहे, पूरा ग्रंथ कितनी लंबी लाठी थी, कितना मतलब जूता था, कितना आंदोलन किए, क्या योगदान था, क्या योगदान नहीं था, आलोचना क्या होती है, पढ़ रुके गए पहुंचे ज्ञान में, वहाँ पर प्रश्न आया कि अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन कैसे होता, कल्पना नहीं की थी, ये आपको समझा बन गया, ठीक है, तो ऐसे प्रश्न वहाँ आपको दिखाई देते हैं, ये प्रश्न कभी आपको किताबों में नहीं होंगे, ये प्रश्न ही बच्चा सॉल्व कर पाएगा जिसके पास दो चीज़ें, पहली चीज़ तो ये होगी कि उसकी समझ है जिसको ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है, वो उस व्यक्ति के पास होगा, गांधी जी के बारे में पता है कि विचारधारा के व्यक्ति थे, ठीक है, उनका स्वतंत्रता के आंदोलन में क्या कंट्रीब्यूशन था, आंदोलन की हो गया ज्ञान, और दूसरा हो गया आंसर राइटिंग स्किल, ठीक है, वही अभी बात में कह रहा था कि आपके पास ज्ञान हो तो इसका मतलब ये नहीं क्या बुद्धि होना, ठीक है, ज्ञान होना इसीलिए सिलेबस में शुरुआत में लिख दिया है कि ज्ञान होना जरूरी नहीं है, प्रस्तुतिकरण आपका समझदारी भरा होना चाहिए, ठीक है, तो ये पहली चीज़ ये, और दूसरी चीज़ आपकी प्रस्तुतिकरण का ढंग, ये दो बातें अगर उसके पास हों वही जो है वही बच्चा जो है इस प्रश्न का उत्तर लिख पाएगा, तो ये क्यों उदाहरण एक प्रश्न का दे रहा हूँ, जितने भी प्रश्न आप देखेंगे सारे प्रश्न बिल्कुल जो है इसी प्रकार देखेंगे, द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद या द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पे क्या प्रभाव, अब आप विश्वयुद्ध भी पढ़े हैं, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन भी पढ़े हैं, लेकिन आपको लिखना ही नहीं,
शिक्षा करते हैं, अपनी भूमिका बनाते हैं, अपनी नंबरों में उचाई जिंदगी विश्व का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा है, प्रस्तुत कीजिए या विश्लेषण कीजिए, इस प्रकार का प्रश्न के आगे पूछ लिख देंगे। अब आपको दोनों बातें पता है, आपको ये भी पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया, किसके किसके बीच में लड़ा गया, आपको ये भी पता है भारत का स्वतंत्रता आंदोलन सबसे कब तक लड़ा गया, किसके विरुद्ध लड़ा गया, सारी बातें आपको पता है। ये हो गया ज्ञान का पक्ष। क्या इतनी बातें जो किसी के पास हैं वो प्रश्न का उत्तर दे लेते दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। अगर प्रेजेंटेशन का तरीका जो है या उत्तर लेने की शैली उसकी गड़बड़ है तो वो इस बात की प्रश्न का उत्तर कदापि नहीं देता। इसमें हर प्रश्न आप अगर देखेंगे तो इसी पैटर्न पर आधारित होते हैं, हर हर प्रश्न। एक मैं दो प्रश्न का उदाहरण दे दूँ, ठीक है, जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, इतने प्रश्न जो है इसी पैटर्न पर आपके आधारित होते हैं, ठीक है। इसलिए अगर आंसर राइटिंग आप नहीं सीख रहे हैं तो कितना भी पढ़ लीजिए, ठीक है, आप मास्टर बन सकते हैं लेकिन अधिकारी नहीं बन सकते, क्योंकि वहाँ पर आपको डिसीजन मेकिंग का काम करना है। बेटा तुम लोग बात प्लीज बात में दोबारा नहीं, क्योंकि वहाँ इतने पद होते हैं, इतने भी अधिकारी के पद होते हैं, डिसीजन मेकिंग के पद होते हैं, ठीक है। हम हमारे हमारा जो पद है हम क्या करना है, मतलब एक बेहतर नागरिक तैयार करना है, जो चीज़ें क्या प्रत्येक चीज़ें हैं बच्चों को समझाना बताना, हमारा काम ये है। काम अधिकारी का काम क्या है, अधिकारी का काम दिन भर में उसको 50 डिसीजन लेने होंगे और 50 डिसीजन ऑन द स्पॉट लेने होंगे। डिसीजन लेना बड़ी बात नहीं होती, डिसीजन ऑन द स्पॉट लेना बड़ी बात होती, ऑन द स्पॉट भी लेना और सही डिसीजन लेना चुनौती होती है। तो अगर उसके पास समझ नहीं होगी, कोई समझ लीजिए दो पक्ष कहीं लड़ गए तो सूचना मिल गया भाई यहाँ पर तनाव परिस्थिति है, दंगा हो सकता है, पहुँच के तुम कहेगा गोली चला, तो ये डिसीजन को थोड़े हो, ये तो मतलब समझिए कि इतने में बेवकूफ़ी से भरा करना होगा, गोली चला देंगे तो लग जाएगी मर जाएगा, ये डिसीजन कहाँ हो गया। इसलिए तो आपको लोक कल्याण के लिए भेजा गया था लेकिन आपको लोक कल्याण नहीं किया, इसमें घी डाल, हाँ घी डाल दिए, आदमी का काम कर दिया। आपको काम करना है कि मामला आगे न बढ़े और शांति व्यवस्था जो है कायम करने की जिम्मेदारी दी गई है कायम रहे, आपका काम ही है। अब पता लगे डिसीजन ही नहीं होगा, आंसर राइटिंग क्या है, डिसीजन का काम। अब महात्मा गांधी का अगर भारत के राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अगर उन्ना होते तो क्या ये होना है, तो ये भी एक तरह का डिसीजन है। अगर आप सोच नहीं पाएंगे भाई अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो क्या क्या भारत की भारत 1947 में आया होता कि नहीं होता, ये प्रश्न आपसे होता है, ठीक है। इसका उत्तर आपको देना कितने टाइम में, इसके उत्तर 6 मिनट मिलता है, जैसे 20 प्रश्न होते हैं जो यूपीएससी में होते हैं, 20 प्रश्न होते हैं, 10 प्रश्न आपको होते हैं, अगर 10 प्रश्न होते थोड़ा सा छोटे उनको उनका उत्तर आपको 150 में लिखना होता है, और 10 प्रश्न इस प्रकार के होते हैं जिनका उत्तर आपको जिनका अंक होता है 15 नंबर होते हैं, थोड़ा सा 250 शब्दों में उनको लिखना, थोड़ा बड़ा लिखना, आपको सोचना भी है उसी में लिखना भी है, भी एक तरह नहीं लिखते हैं जो सोम आए लिखती नाच मंत्र की तरह डालते हैं उस तरह नहीं लिखते, तो लिखेंगे बेकार हो जाएगी काफी, ठीक है, बिल्कुल सटीक नहीं लिखना। तब आपको नंबर मिलेगा, आप सोचिए 20 क्वेश्चन आपको लिखना है 250 शब्दों में, टाइम आपके पास कितना है 3 घंटा यानी 180 मिनट, कितना समय बचाएंगे एक प्रश्न के लिए, तो देखेंगे कितना समय बचेगा, 180 भाग दीजिए 20 कितना हो जाएगा, 9 मिनट बचेगा ना, 9 मिनट में आपको सोचना भी है, फॉर्मेटिंग भी करना है, लिख भी डालना है, ठीक है। 9 मिनट में कहेंगे 4 पेज का उत्तर लिखे, 9 मिनट में लिखो, 3 मिनट में आपको प्रश्न उतारने करा दी, ऐसा नहीं है कि आप तुरंत वहाँ देखिए तुरंत देखना, उसी 3 घंटे में जब आप मेंस के एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, 20 मिनट तो आपके खा जाते हैं, साइन और अंगूठा लगाना, ये करना है, वो करना है, 3 बार तो 15 मिनट में उत्थान कर लेते हैं, 15 उसको उठा लीजिए और हर प्रश्न को आप देखते हैं, तुरंत लिखना नहीं शुरू करते, क्योंकि देखिए तो तुरंत आइंस्टीन मिनट गए तुरंत लिख के साथ पे रखते हैं, प्रश्न को समझना बड़ा जरूरी होता है, हमको समझेंगे तभी तो लिख पाएंगे, तभी प्रश्न ही नहीं देंगे, नजर दौड़ाए पढ़ने के लिए
पास बचेगा पांच नंबर तो भाई देंगे उसका या 250 संपूर्ण उसका आंसर लिख डालना है। समझिए ये महत्व है आंसर है। दूसरा जो इसमें सेक्शन है अपनी क्लास का वो है कि एक अच्छा उत्तर कैसे होता है, कौन सी ऐसी विशेषताएं होती हैं कि एक अच्छा उत्तर होता है, उत्तर लेखन क्या होता है। उत्तर लेखन को अगर दो शब्दों में कहें तो ये हो जाएगी कि जो तथ्य आपके पास है या आपने जो विश्लेषण किया है उसको सटीक तरीके से प्रस्तुत करना, स्मार्ट तरीके से प्रस्तुत कर देना अपने तथ्य एवं विश्लेषण को। स्मार्ट तरीके से प्रस्तुत करने का मतलब हुआ कि कोई अगर पढ़े तो पढ़े इन्हें देखे कहीं देखा अगर एक तरफ से शुरू किए पूरे पन्ने में सांस लेने जगह नहीं छोड़े तो आदमी कोई से देखेगा उसे सोचेगा कि यार क्या पढ़ने से राइटिंग भी वो घटिया है लिखे भी इस तरीके से तो उस तरीके से हमें लिखते स्मार्ट लिखा होना चाहिए, बिंदुवार लिखा होना चाहिए। वाक्य वाक्य बना के लिखोगे तो इसे आपका घाटा हो जाएगा। 250 में लिखना है ठीक है, अगर वाक्य बना बना के लिखोगे भूमिका लिखोगे 70-80 शब्द में मुख्य उसके पार्ट जो होंगे आपके वो कहानी होगी। तो दूसरा सेक्शन यहाँ से शुरू होता है कि एक अच्छा उत्तर जो होता है वो कैसे कौन से गुण इस उत्तर में शामिल हों ठीक है उसको अच्छा उत्तर कहा जा सकता है। दूसरा से समझे पहला तो देखते हैं महत्व का क्या है, महत्व बताने के पूरे दिन क्या है। अच्छा उत्तर कैसा किसको कहेंगे, कोई ना कोई उसको पैरामीटर हो गई ठीक है। जैसे क्लास में आप देखते हैं कि अच्छा बच्चा कौन है तो उसको दो पैरामीटर होते हैं, एक तो उसके बिहेवियर से हम देख लेंगे आगे बच्चा बड़ा सीधा सा है रेगुलर आता है बोलता अच्छा है बैठता अच्छा है झगड़ा वगड़ा नहीं करता है। ये तो आपके बिहेवियर के आधार पर दिन प्रतिदिन की जो प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया उसके आधार पर तय कर लिया कि बच्चा अच्छा है। और दूसरा है जब एग्जाम में क्योंकि आपको एग्जाम दिया गया था वार्षिक स्तर पर या सामान्य स्तर पर उसमें देखें भैया हम 500 नंबर के एग्जाम लेंगे और हमें पैरामीटर मैंने बना दिया कि 300 नंबर से अधिक जो बच्चा बना जाएगा वो अच्छा होगा, 300 से जो नंबर कम पाएगा बच्चा मध्यम स्तर का अच्छा होगा सेकेंड और उसमें मैंने कहा कि 250 नंबर से भी किसका कम होगा ठीक है वो बिल्कुल समझिए कि संतोष ज्यादा करेंगे उससे भी कम है उसको कर देंगे 200 से कम यानी कहीं का नहीं ठीक है। तो हमने क्राइटेरिया से कर एक मानक मैंने बना दिया कि भाई 300 नंबर से तो अधिक बच्चा पाएगा क्योंकि वो बच्चा अच्छा पाएगा। इसी प्रकार से ठीक है अगर कोई उत्तर अच्छा है बुरा है किस पैमाने पर हम डिसाइड करेंगे, निर्णय कैसे लेंगे कौन सा उत्तर अच्छा है कौन सा उत्तर अच्छा नहीं है, उत्तर उत्तर होते हैं जब तक पैमाना नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कौन सा उत्तर अच्छा है कौन सा उत्तर। इसमें कुछ विशेषताएँ हैं 6-7 विशेषताएँ हैं उत्तर में समझ जाइए उत्तर बेहतरीन। पहली विशेषता जो उत्तर की होती है प्रमाणिकता, अगर आप लिखते चले भी देखिएगा प्रमाणिकता ठीक है क्या प्रमाणिकता करता है। प्रमाणिकता मतलब सीधा सीधा हो गया कि जो आपने उत्तर लिखा हो ठीक है उस उत्तर में जो भी तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं ठीक है वो प्रमाणिक तथ्य होने चाहिए ठीक है। हर चीज हवाबाजी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर कोई भी वैधानिक काम होता है ठीक है तो उसमें सबूत मांगे जाते हैं। मैं कह दूँ कि ये लड़का जो है एक व्यक्ति की इसने हत्या कर दी, जो पहला प्रश्न से होगा वो ये होगा कि आपके पास साक्ष्य है, आपने देखा है, आपके पास रिकॉर्डिंग है, आपके पास डीएनए सैंपल कुछ मौजूद हो, कोई भी आप कुछ साक्ष्य देंगे तो मानेंगे
इसे हवा वाले बाप लगा दी कि भाई अब दो ही हत्या करके आए हैं, हम मान लेंगे फांसी बरसा दें। लेकिन तो प्रमाणिकता का सीधा मतलब होगा कि जो तथ्य आप प्रस्तुत करें जो विश्लेषण आप प्रस्तुत करें ठीक है वो प्रमाणिक। अगर आप लिख रहे हैं भारत में साक्षरता दर 74% है तो आपको प्रेरक में जरूर लिखना चाहिए कि मेरे 2011 के अंदर का क्या था, क्योंकि हमने सपोर्ट दे दिया कि भाई 2011 में हम नहीं बता रहे हैं या आपकी सरकार ने बताया है 2011 के अंदर के अनुसार भारतीय साक्षरता दर। अगर मैं लिख रहा हूँ कोई लाइन कि भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है तो इसे हवा वाली बात लगा दी कि दयनीय है वो नहीं है, वैश्विक लैंगिक अपराध सूचकांक में महिलाओं की स्थिति 180 की लगा दी। भारत में महिला श्रम बल अधिकारी जो प्रतिशत वो 25% यानी कोई 25% महिला जैसे कामकाजी मतलब इनके काम का वेतन मिलता है। महिलाओं के साक्षरता दर भारत में 7% क्या है, ये हमने सपोर्ट दे दिया अपने तर्क के या अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए, भारत में महिलाओं की स्थिति दयनीय है उसको सिद्ध करने के लिए हम लीगल तर्क साथ साथ बोलते चले जा रहे हैं। ब्रेक लाइन में लिखा है इस बात से समर्थन कर दिए, 3 तत्व मैंने प्रस्तुत कर दिया कि भाई ये तथ्य है इस बात को सबूत के तौर पर प्रस्तुत करने के लिए कि हाँ भाई है तो है। थोड़ी भी कह देगी नहीं भाई जो है महात्मा ने कह दी ठीक है तो ऐसे मन से नहीं होता, आप कभी कचहरी गए होंगे देखे होंगे वकील होते हैं क्या काम सबूत की कोठरी की घूम है ठीक है वैसा ऐसा सबूत पेश कर देंगे कई बार जो मर्डर होगा उसको भी निर्दोष साबित कर देंगे क्योंकि जो जज होता है वो केवल एक चीज में विश्वास करता है वो चीज है कानून। कानून में स्पष्ट हो गया कि आपको उसमें संवेदना नहीं दिखाना है, वहाँ तो आप देखेंगे आरोपी होते हैं कि जाते तब होते हैं सब इतने चोर हैं तो कहते हैं हमका मैंने इस शर्म में लगती कि नहीं ये सब हम बोल रहे हैं फिर भी समझ सबको अभाव हो जाएंगे यार हो रहा है पसीना पसीना हो गया एक लेकर हम सुबह गए कि क्या हो उसी भाव को कर तो छोड़ दी जाओ फिर तो ये सब जाके बोलने लगते थे हाँ हाँ ठीक है यानी वहाँ पे आपको मतलब उस व्यक्ति के या उस आरोपी के खिलाफ सबूत है इस बात की प्रमाणिकता के लिए कि हाँ भाई इसने ये किया है। हमारे पास डीएनए सैंपल मौजूद है, वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, इसका वॉइस सैंपल मौजूद है ठीक है, फोटोग्राफ मौजूद है, इतने लोग जो है इसके पक्ष में गवाही दे रहे हैं कि इतने व्यक्तियों ने इसको देखा भी ये काम करते हुए ठीक है, इसका मतलब आपने प्रूव कर दिया कि हाँ भाई ये आरोपी जिसको मैंने 11 दिन का आरोपी बनाने के लिए आपके आवेदन किया था तो ये सही बात है। कई देर 13 दिन के तहत मुलिम है जब वो साक्ष नहीं प्रस्तुत कर पाए तो आदमी बरी हो जाएगा, जज कहेंगे क्या यार अभी समय काम कर दिया। कई बार ऐसा होता भी है कि जज वो फंस जाते हैं क्योंकि हम बहुत सारे लोग होते हैं बेहोश याचिका दाखिल कर देते हैं कि हाँ भाई ये बहुत बेकार आदमी है इसके कारण ये धारा बता जज बढ़ जाते हैं कि आप जितना केस लेके आते हो जितना आरोप लेके आते हो उसमें यकून साक्ष प्रस्तुत कर नहीं पाते हो हर तीसरे दिन एक आदमी को जो मुलिम बनाने आरोपी बनाने चले जाते हैं कि तुम्हारे पास 1,00,000 रुपये का जुर्माना हो रहा है ठीक है, कि ऐसी हद तक दोबारा हो तो 2 लाख का करेंगे तो बंद कर देंगे ऐसा करना, यानी हर बार आप नहीं कर सकते, आप 10 केस 10 लोगों के आरोप ऊपर आरोप लगाएं तो कम से कम 2 कन्विक्ट हो, 10 में लगाए 10 में 10 बजे तो आपकी प्रमाणिकता क्या है। यानी जो बातें आप कह रहे हैं इसका मतलब कोई भी व्यक्ति अगर कचहरी में गए या वकील है एक केस नहीं जीतता था उसी तरीके से यूपीएससी भी आपका रिकॉर्ड रखती है यार 4 साल से दे रहा है तो कुछ हो नहीं रहा है जी एस ओ सी नंबर इसके बहुत ही आए हैं इसी तरह से 10-10 नंबर पाया है 2.5 नंबर में तो इसका कोई स्कोप है नहीं क्योंकि वो भी आपकी काफ़ी जरूरी है आपका समझिए कि इस तरह से रिकॉर्ड होते हैं आपके एक एक प्रश्न पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे पूरे में क्या करना चाहिए देखो अपने रिकॉर्ड को मेंटेन रखना पड़ेगा मेंटेन रखने का मतलब प्रमाणिकता अच्छी होगी बस में के प्रमाणिकता वाले दूसरा बिंदु जो पूछा गया है वही
पूछा गया है वही। पूछा गया है तो लिख कुछ दूसरा है, पूछा गया अपना नाम लिखो अपना पता लिखो, चलिए ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, क्या काट देगा अच्छा नंबर इतना कम दे देंगे क्या कुछ नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपके आंसर राइटिंग स्किल जो है बहुत बेकार बन गई, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कह दिया है कि किसी भी चीज़ को आपको पहले बढ़िया से देख लेना कि पूछा क्या है, ठीक है। पर हमको मतलब दो बार पढ़ना है समझने का प्रयास करना है कि प्रथम में एक्चुअल में एग्जाम्पल चाहता हूँ क्या जानना चाह रहा है, उनसे इस प्रथम में क्या जानना चाह रहा है, विश्लेषण जानना चाह रहा है कि इस प्रथम में जो है उसकी क्या मानसा है जानने के लिए, ठीक है। तो उसको तीन चार बार जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, तब आप समझ पाएंगे कि जो पूछा गया है वही, ठीक है, वही लिखे इससे ज़्यादा आपको सुबह इसको थोड़ा इसीलिए मैंने देखो है ऊपर दिया है, यानी जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है, उतना ही लिखने का मतलब कि जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है, उसे न कम लिखना है ना ज़्यादा लिखना है, ये नहीं कि आपको अमूमन जो होता क्या है कि जो हमको पता है हम अपने हिसाब से, ठीक है, ये नहीं कि जो पूछा है उसके हिसाब से अमूमन जो देखता है कि जो हमको पता है या अपना ज्ञान लिखेंगे ही लिखेंगे चले देश के समक्ष वर्तमान में कौन सी सामाजिक आर्थिक चुनौतियां विश्लेषण प्रश्न इतनी जानना चाह रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो पिछड़ापन है या जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा राज्य भारत में है, ठीक है, तो उसके समक्ष कौन से कारण है जानने का प्रयास उत्तर ये सीधे से रूप में जो भी बताना उसमें उत्तर प्रदेश की सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन का मूल मूल कारण भैया क्या क्या है, तो पांच पॉइंट आप बताओ। अब इसमें लिखना शुरू किए जानते थे उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत, उत्तर प्रदेश 75 जिले, ठीक है, 18 मंडल शुरू ही इसकी, उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश है, इसकी राजधानी लखनऊ है, इसकी जनसंख्या लगभग 20-22 करोड़ रुपये, ये भी क्योंकि ये हमको पता है, ये आप पूछे हैं नहीं पूछे इसे मतलब हमको नहीं है, जो पता है वो अपने हिसाब से लिखेंगे, इसकी राजधानी लखनऊ है, इसमें 18 मंडल हैं, ये है कितनी जानकारी आपको होगी अंदर था अनर्गल, ठीक है, उसको आप लेता है, ठीक है, जबरदस्ती लास्ट में लिखेंगे इसके समक्ष सामाजिक आर्थिक रूप से निम्न चुनौतियाँ लिखना है 150 शब्दों में, 130 शब्दों में तो आपने उत्तर प्रदेश का परिचय दे दिया, तो उत्तर प्रदेश का परिचय जब आपने दे दिया 130 शब्दों में, 130 शब्दों में क्या लिखा, 130 शब्द में जब परिचय आपने लिख दिया तो बचेगा क्या लिखने का, केवल हाई लिखने के लिए बचेगा, तो हाई में जो हाई लिखोगे कि ये लिखोगे कि सामाजिक आर्थिक चुनौतियाँ क्या हैं, ये इसीलिए अब इस प्रश्न की डिमांड ये कि उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का एक बड़ा राज्य है, बड़ा राज्य में जो आदमी प्रश्न बनाया वो जानता है उत्तर प्रदेश क्या है वो क्या नहीं है, ठीक है, लेकिन जो आपसे जानना चाहे कि इसके समक्ष सामाजिक आर्थिक रूप से चुनौतियाँ हैं, तो सामाजिक आर्थिक चुनौती की बात कर रहा है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये बात जरूर लिख सकते हैं कि भारत के अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन पाया जाता है, इस बात को सिद्ध करने के लिए आप नीति आयोग का कोई डाटा प्रस्तुत कर सकते हैं जो राज्य के विकास से संबंधित हो, कोई भी डाटा आपको वहाँ पे आप उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टि से भारत के राज्यों की पांचवें छठवें या जितने नंबर पर आता है, ठीक है, अगर उसने लिखा है उत्तर ये बात आप यानी जो
श्याम ने कहा है कि हाँ भाई हमारी गाड़ी उत्तर प्रदेश पिछड़ा है, तो उस बात को आपने प्रूव भी कर दिया कि हाँ भाई पिछड़ा है, ठीक है, हम आपकी बात मान रहे हैं पिछड़ा है, और उसके एक आगे बढ़ा दो मैं खड़ा कर कि इसके सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के निम्न कारण बनाए जा सकते हैं। उसके बाद आप बिंदु आपको पहला बिंदु दूसरा बिंदु सामाजिक पिछड़ेपन के कारण आर्थिक पिछड़ेपन के कारण भौगोलिक रूप से बड़ा प्रदेश होना बुंदेलखंड पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दिल्ली के निकट होना ग्रेट रिवोल्यूशन वहाँ पर हो जाना पूर्वांचल में बाढ़ की स्थिति बार बार होने से क्या भौगोलिक चुनौतियाँ उसी प्रकार से सामाजिक चार पांच चुनौतियाँ और आर्थिक चुनौतियाँ चार पांच बस ये पूरे ज्ञान जो आपके उत्तर की मेन बॉडी है उसको लिख दिया आपने ऐसे प्रश्न में क्या किया जाता है इसे हम सुझाव किए जाते हैं और उसके बाद में अपनी चुनौतियाँ गिना दी वहीं पे आपका रहेगा चेंज करके दूसरी से दो से तीन लाइन तो ज़्यादा लाइन बड़ी नहीं बनाना है दो से तीन लाइन में आप ये बना दो दिखा दो क्या है इसमें सामाजिक आर्थिक विषयपन ये काम किए जा सकते हैं चार पाँच दिन होकर याद हो बिल्कुल दो एक दिन आप लिख दो अगर नहीं याद हो तो लाइन में एक दो बना दिए दो बस आपका प्रश्न हो गया निष्कर्ष लिख दो थोड़ा सा स्पष्ट है कि निष्कर्षता हम कह सकते हैं कि नहीं होंगे समझ बस आपका परफेक्ट उत्तर लिख के तैयार हो गया इसमें देखो संतुलन आपका बिल्कुल कठिन जो पूछा गया है वही लिखा गया न कम लिखा गया न ज्यादा लिखा गया यानी जो पूछा गया है वही लिखना है ना तो कम लिखना है कम लिखेंगे तो मैसेज आएगा क्योंकि आता कम या इसके पास जानकारी का अभाव ज़्यादा लिखेंगे तो माना जाएगा कि बहुत ज़्यादा जानकार है तुम्हें ये मास्टर अच्छा बन सकता है लेकिन अधिकारी अच्छा नहीं बन सकता है दोनों में खत्म बहुत ज्ञानवान व्यक्ति को कभी यूपीएससी में सेलेक्ट नहीं करते तुमने देखिए 21-21 साल 22-22 साल के लड़के हुए IAS IPS में जा रहे ठीक है तो थोड़े बहुत ज़्यादा ज्ञानवान ये हमारे लिए करता है हमारे भाजी साहब करता था बहुत ही नहीं कला में हफ्ते जगह लगा कह सकते हैं लाइक वेंचर जिसे बोलते हैं ठीक है ऐसी स्थिति पूरा पानी बोलता था दिमाग को बड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ने का प्रयास करता नंबर नंबर ज़्यादा बहुत कम नहीं आता लेकिन क्लास में हमेशा एक चुनौती के रूप में पेश किया जाता था अच्छे कानून को पढ़ता रहता पहली बार मात्र 2 साल की तैयारी में पहली बार में फ्री निकाला तो आशे वगैरह चलो ठीक है फ्री निकाल दिए तो मेन्स को थोड़ी निकाल पाएंगे मेन्स जो उसने पहली बार में निकाल दिया पहले अटेम्प्ट में अगर आप फ्री निकाल के मेन्स में पहुंच गए इंटरव्यू बोर्ड के सामने पहला इंप्रेशन तो यही पड़ जाएगा कि भाई कुछ ना कुछ बंदे के अंदर है ठीक है कितना कम उम्र में अभी मुझसे पहले दोनों से मेरे बोर्ड में लगा 22 साल 22 साल की एज में इतने बड़े एग्जाम को क्रे करके हमारे सामने बैठे हैं तो क्या रहेगा साबित करने क्या क्या रहेगा क्या जान दे दें ऐसी सिचुएशन हो जाती है भैया तो क्या साबित करना चाहते हैं 22 साल में इतना बड़ा एग्जाम करके कि अगर आप हमारे सामने होकर बैठ गए तो इंटरव्यू में क्या पूछें आपसे मतलब जो बता दो चार तो हम बना देते हैं ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें उसका मेन्स क्लियर उसे भी मैंने बता दिया कि भाई 100% मार्क के लिए प्रॉपर IAS नहीं कह रहा हूँ लेकिन IPS को या कोई भी पद उसके नीचे का मिल जाएगा 100% प्रॉपर IAS थोड़ा सा ज़्यादा मार्क होती है ठीक है उसकी रैंक है लगभग 4.5 उसको मिला IPS रिजल्ट पटरी रिजल्ट पटरी वालों को मान लीजिए 500-600 रैंक कराते हैं 1000 में तब भी आपको IAS IPS मिलने के चांसेस होते हैं ठीक है हाँ मिल जाए अपना 22 साल इसका मतलब ये थोड़ा ही बहुत ज़्यादा जानकार हो गया बहुत ज़्यादा पास ज्ञान का भंडार था आपके ज्ञान के भंडार के पर्चे में जितना काम का ज्ञान है उतने ज्ञान आपके पास होना चाहिए इसलिए कहा जाए कि खुद अपॉइंट पढ़ने को प्रयास कीजिए जो आम पास है वो न पढ़ने चाहिए सिलेक्ट हो जाता है तो दूसरा अपना ये पूछा गया वही जब ये कम लिख पाएंगे जब पढ़ समझ पाएंगे कम लिखना नहीं जाता तीसरा
सभी आयाम एवं परिधि सभी आयाम एवं परिधि के शामिल होने का मतलब सीधा समस्या कि जो प्रश्न में पूछा गया है भैया, ठीक है, ऐसा नहीं कुछ में जैसे सीधे जो ऊपर से दिखता है वो यही चीज लिख देना है, उसके तमाम पहलू होते हैं, ठीक है। जो उत्तर होता है उसमें मुख्यतः मुख्य रूप से तीन पार्ट माने जाते हैं, लेकिन कई बार उसमें और पार्ट हो जाते हैं सब पार्ट के रूप में। जैसे मान लीजिए पहला पार्ट हो जाता है, ये मोटे तौर पर माना जाता है, पहला पार्ट आपका हो जाता है उत्तर लेखन में भूमिका या परिचय भी आपको कई बार जरूर लिखना चाहिए, कई लोग बताते हैं कि नहीं लिखना चाहिए, लेकिन आपको जो एक बुलाएंगे वो लंबा नहीं जितना लेकिन उत्तर प्रदेश को उदाहरण दिया है कि जितना ज्ञान ले रहे हैं ये नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम उत्तर जब लिखते हैं तो जो बातें हमको पता होती हैं, ठीक है, जो उत्तर हमको पता होता है वो लिखते हैं कहाँ के ये वही लिखते हैं, जो नहीं पता होता उसको आदमी भी नहीं देखता है, तो ये अन्याय होता है, ठीक है। और दूसरी चीज जो उसके आयाम होते हैं परिधि होती है, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं, जो हमको पता होता है वो नहीं देते बाकी छोड़ देते, ठीक है। तो ये बहुत बेकार है, ठीक है। जो आपके अपने डिमांड की गई आपको जानने की डिमांड को आपको पूरा करना है, ठीक है। मुख्य रूप से जो उत्तर लेखन में उसके या सामान्य भाग होते हैं भूमिका होती है, एक होता है मेन बॉडी जिसको मुख्य पार्ट कहते हैं, मुख्य पार्ट या उत्तर, और तीसरा होता है निष्कर्ष, निष्कर्ष या सुझाव भी कह सकते हैं, कई बार सुझाव भी मानते हैं, निष्कर्ष में मुख्य रूप से सुझाव भी आपके द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो ये तीन पार्ट होते हैं किसी भी मुद्दों को लिखते समय, तीन भाग होंगे अपने आप डिवाइडेड है, उसका होना ही होना, एक मुख्य भूमिका होगी योगी, एक मुख्य पाठ होगा वही होगा, निष्कर्ष है सुझाव होगा, ये सामान्य रूप से ये बातें होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखा जाता है कि इन तीनों पार्टों में पर्याप्त संतुलन होना चाहिए, कि नहीं भूमिका लिख दिए 150 शब्द में, 200 शब्द में कोई पत्र लिखना है भूमिका लिख दिए 20 शब्द में, मुख्य भाग लिखे हैं 40 शब्द में और निष्कर्ष लिखे हैं 40 शब्द में, 200 शब्द पूरा कर दिए, ये तो अन्याय हो गया ना। इसमें एग्जाम होता है उसका है परसेंटेज के हिसाब से, तो 10% लिख होना चाहिए और 10% लिख होना चाहिए, 80% लिख होना चाहिए, अनुपात अब चाहिए संतुलन की बात होती है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10% ये 10% नीचे का बीच का अधिक, यानी जो मुख्य रूप से आपने जानने की अपेक्षा है की वो बातें 80% होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं जिसमें हम ज्यादा जानते हैं इसको कर देते हैं 40%, इसको कर देते हैं 30%, इसको भी कर देते हैं 30%, कुछ हो गया है ठीक है, और कुछ है कहीं बात नंबर या फिर एक नंबर होता है वो गिन नहीं सकता था, इसीलिए अपने आप मुझे पहले किया है आप जो है वो खराब किसी के आदमी आप जो है आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, आपसे पूछा कुछ जाएगा पता कुछ और देंगे, योजना कुछ और होगी, लाभ किसी दूसरे दूसरा दे देंगे, यानी प्रशासन में आप फिट नहीं हो सकते, अगर आप इतना हाल मेल बात करते हैं और आधी अधूरी जानकारी देते हैं, इसलिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा है प्रमाणिकता, ठीक है। प्रमाणिकता नहीं होने का मतलब ये हो गया कि आप हर काम चलाओ करते हैं, ये आपके व्यक्तित्व की झलक वहाँ पे दिखाई देगी, कि अगर आपके पास परफेक्ट डाटा नहीं है आपके कोई भी पूछा के कह दे तो आप मान जाएंगे नहीं, कोई भी पूछा के कह दे कि हाँ भैया तुम्हारी जगह आग लगी बाल्टी उल्टी में पहुँच जाएंगे, ठीक है, चाहे भले वही रास्ते मार दिए जाएंगे,
हाथ लगाने के लिए बात नहीं करते, चाहे बाल्टी लेके अंदर निकलता है, ये भी हो सकता है। तो आपको सोचना पड़ेगा भैया, अगर ऐसे सोचना हम तो इसे अज्ञात रूप से मिली है, पहले तो वहाँ के हम प्रधान होंगे, हमारे अधिकारी होंगे, लेखपाल होंगे, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, एक हायरिंग भी होती है उनका, उससे हम पता करेंगे कि हाँ भाई सूचना सटीक है कि नहीं, सूचना सटीक है द्वारा कार्रवाई हो जाएगी तो ठीक, अगर हम नहीं उन लोगों को समझ लेंगे तब हो जाएंगे। पहले पहुंच गए सड़क पर एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पे मुख्य भूमिका किसकी होगी, ट्रैफिक पुलिस की होगी, तो देखिएगा भाई यहाँ कितना चोट है कितना नहीं चोट, किसी के जो है गलती से हुआ है कि अपने आप हुआ है, दोनों की गलती बराबर बराबर है, लीगल कार्रवाई क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती है, कितना प्राथमिक स्तर की सब जांच हो जाती है, फिर लोग कोर्ट बैठाएगा कि भैया बैठिए अगला कार्रवाई होना, क्योंकि क्या एक्सीडेंट हुआ कि वो तुरंत एस पी को फोन कर एस पी आएगा, तो यही काम अगर एस पी देखकर पूरा जिला कौन संभालेगा, और बहुत सारे काम उसके पास होते हैं, नहीं कहते नहीं जिलाधिकारी आए तो कुछ काम करेंगे, जिलाधिकारी सारा काम छोड़ के आपके कहाँ जाए छोटा सा एक्सीडेंट देखने के लिए, आपके पैर में थोड़ा सा मोच आ गई, मोच लगा आए वो फिर वो अगर उसको नहीं करे ये काम होगा नहीं, अधिकारी का तो काम जिसको, इसलिए हर व्यक्ति का काम डिसाइड कर देगा, ठीक है, हर विभाग का हर उसका काम डिसाइड कर देगा कि अपना काम अगर कंप्लीट होते हैं तो भी बहुत सारे काम खाली बैठे, अगर हर व्यक्ति अपना काम अच्छा कर रहा है, हर व्यक्ति अच्छा नागरिक है, बहुत लोगों का उसकी दुकानें बंद हो जाएगी, पुलिस क्या करेगी, सबका आदमी काम अच्छे करेगा तो पुलिस क्या करेगी, वही ताश खेलेंगे लोग काम ही नहीं होतेगा, सब अमन चैन चारों तरफ हरियाली, किसी रुक नहीं कोई ना झगड़ा ना बवाल ना कुछ ना कुछ, सब देख के स्वस्थ हैं, किसी कोई बीमारी वीमारी नहीं है, तो अस्पताल में निकाल देंगे, बंद कर देंगे, या चोर पुलिस का तेल खेलेंगे, मुझे वो हम बादशाह हैं इस तरीके बना कर खेलेंगे क्या करेंगे, ठीक है, यानी इसीलिए उसको नाम डिसाइड करते हैं कि ये संभव ही नहीं कि ऐसा ये हाइपोथेटिकल चीज है, ठीक है, ये संभव ही नहीं मान के चलते कि ऐसा भैया होगा होगा नहीं, क्योंकि थोड़ा पार्टी लोग कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है, जैसे व्यवस्था करके सबके काम उत्तरदायित्व बना देंगे, ठीक है, तो आपकी उत्तर लेखन होता है उसमें मूल रूप से यही बात करने को होता है कि आप दिमागी रूप से ऑन द स्पॉट सोच और समझ सकते हैं, ऐसी स्थिति ना रही कि आप उसकी सोच समझ ना पाए, ठीक है, सोच समझ नहीं पाएंगे तो फिर समस्याएं आप गलत डिसीजन की तरफ ले सकते हैं, इसीलिए किसी चीज़ के हर आयामों पर आपको सोचना है, ये भी संभावित है ये भी संभावित है, हर विकल्प पर विचार करना है, डिसीजन के पहले आपको आंदा इस बार आपको हर विकल्प पर विचार कर लेना है कि रास्ते में मारने के बुला रहा है, पीछे में प्रॉब्लम है, वहाँ पर कोई लोग हैं उपस्थित कि नहीं है, ये सारी विकल्प आपको दो सेकंड के अंदर आपको सोच के बता देता है, ठीक है, इसी प्रकार से पथ में भी आपके आयाम और परिधि परिधि लंबाई होता है, तो उतनी है आयाम इसके हर पक्ष सामाजिक राजनीतिक आर्थिक जितने भी पक्ष हैं, ठीक है, वो उसमें सम्मिलित होने चाहिए। जैसे पूछा जाए अपने में कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के निर्माण से इसके अर्थव्यवस्था पे क्या क्या प्रभाव संभावित है, या इसके आर्थिक विकास पे कौन से प्रभाव पड़ सकते हैं, ये क्या है हाइपोथेटिकल नहीं है, क्या हो सकता है पर्यटन में प्रभाव होगा, हाँ तो अभी क्या है, अभी आयाम है पर्यटन एक आयाम हो गए अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा है लेकिन एक आयाम इसका हो गया, हमारी संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण, संस्कृति सभ्यता के गौरव की बात होना ही बहुत जरूरी होता है, किसी भी राष्ट्र के दूसरे थोड़ा इसी इन्हीं सारे मूल्यों से जुड़ा होता है, ठीक है, अगर हम उसको छोड़ देंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक विकास में जो असंतुलन उत्तर प्रदेश में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश होता ही पूर्वांचल थोड़ा सा पीछे है, उसमें जो संतुलन की पर्याप्त आसपास के जिलों के तमाम विकास के काम होंगे, अयोध्या में खुद आसपास तमाम पर्यटन की दृष्टि से जो है अथवा आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने की दृष्टि से बहुत सारे निर्माण होंगे, सड़कों का निर्माण होगा, मकलों का
क्या कितना चीज पूछ सकते हैं कि घटना की क्या क्या हो सकता है, नहीं हो सकता ठीक है। भी क्या है प्रशासनिक दृष्टि से आपको पूछना है, ये चीज अगर आप नहीं सुन पाएंगे तो उसको अंदर आप एक चीज सुन रहे हैं नहीं पर जो है बहुत कुछ नहीं बनते एक चीज है दिख रहा है ठीक है। तो पॉलिटिकल वायलेंस लेना या पॉलिटिकल लाभ लेना क्यों ले चाहिए तो ये गलत हो गया। लाभ तो हर घटना से नुकसान हो सकता है लाभ हो सकता है वो अलग विषय है। तब क्या होगा ट्रेडिंग को हाँ बिल्कुल बिल्कुल नई बात है हमारे कुछ माध्यम उपलब्ध उद्यम है कितने सारे होते हैं प्रयोग किए जाते हैं ठीक है। जैसे मान लीजिए कपड़े का मतलब क्योंकि क्योंकि शिल्प कला उसका बाजार बढ़ सकता है ठीक है। मिट्टी के तमाम सारे जो है खिलौने या बर्तन उनका व्यापार बढ़ सकता है ठीक है। बहुत सारे जो इस प्रकार के प्रभाव हैं वो आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे क्या है आयाम हमें नहीं मिले इन आयामों को आपको टच करना है। तीसरी बात यात्रा की अशुद्धियां मानते हैं शब्दों का चयन आपको ठीक है। वो अशुद्ध ना कुछ और नहीं जो कुछ हो गया जो बिंदी तक आपको ध्यान रखना है वो उसके भी नंबर कट जाते हैं ठीक है। क्योंकि आप एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं अगर एक बिंदी भी वहाँ पर नाम किया जाए तो बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं ठीक है। इसको कहा जाता है अर्थ का मना किसी से समाप्त करवा दें कि व्याकरण की है तो बहुत छोटी चीज ठीक है लेकिन इसका बड़ा मैं खुद पिछले बार पुराने मौसम है देखता हूँ तो हंसता हूँ उनको सुधार करता हूँ जानते हैं जो काफी चक होती जो भाषाविद होते हैं उस विषय के उसको भी एक बार लिखा जाता है। अगर गलती से उसको वही चीज देखना हिंदी के कापी में ही हिंदी की तमाम सूखियाँ हैं हिंदी नहीं लगाया जाता है कहीं हलत नहीं लगाया गया कामा नहीं लगाया गया जहाँ प्रोग्राम लगाना है प्रोग्राम नहीं लगाया गया ठीक है। तो ये तो क्या है मतलब बिल्कुल अक्षम्य गलतियाँ होती हैं ठीक है। अक्षम्य का मतलब उसमें सीधा नंबर कट नहीं लगता है जो आपके कापी चेक करते हैं उसका क्या ले रहे साठ साल के ऊपर नहीं उनको दो समस्याएँ जो कामन तो पहली समस्या होती है उसमें झल्लाते हो जाती है ठीक है। खास करके ऐसी चीज़ों में कि जिस चीज़ में उसका अटूट विश्वास हो ठीक है वो चीज़ अगर उनके विरोध में जाके आप कह देंगे तो उनका अटूट विश्वास उस विषय में होगा ही होगा तभी तो उस विषय के वो विद्वान हैं तो आपने उसी चुनौती देखी उसकी काफ़ी खुली की पंद्रह साल गलत निकल गया आपने क्या करेगा बार बार पूछ लेगा तो आपको वहाँ मिलेंगे नहीं आपको काफ़ी मिलेगी पहले अच्छा आपको बताते हैं काफ़ी मिलेगी एक शब्द और फिर दूसरी लाइन चालू है
अट्ठाईस शब्द इससे ज्यादा लिखे या 20 शब्द आ सकते हैं, हमने एक दो शब्द लिखे, एक पेज एक पंक्ति का उत्तर लिखे, आपको 150 शब्द में अपेक्षा के लिए उसको 9 पेज में लिखे, क्योंकि उनको आ रहा था तो वो उर्दू लिखे, दूसरा थोड़ा बहुत जानकारी उसके विषय में थी, क्योंकि उसको इतना लंबा रबर की तरह खींच दिए हैं आधा काफी उठी एक पेज में आ गया, क्योंकि उसमें दो बातें थी करना चाह रहे हैं, एक तो पढ़ने में आपको सहज रहे, सुन सकते हैं इतना बेहतर लिख सकते हैं, दोनों पेज हमारे पास जो है तब तक कमी ही नहीं, दोनों तक चले जाते हैं, पहले तो होता है क्या आदमी बेकार आदमी लिखना में पढ़ने दो पढ़ने में होता था, उसके लिए नौ पेज बर्बाद किया, पहले से फिर उसके परीक्षा नाम की चीज़ पढ़ाई नहीं होती, दूसरी बात यह है कि टू द पॉइंट काम कभी कर नहीं सकता है, जो बात दो वाक्य में बोली जा सकती होगी उसके लिए इतने 17 वाक्य नहीं आते, हर वाक्य में दो बार पहुँच दिया तो इसका मतलब दोनों स्थितियाँ गड़ हो गया है, उसको नंबर कम किया जाता है, हर हर स्थिति करता है जहाँ उसके करता है यह जाने के लिए बना निकल रहा है, ठीक है, तो ये सारी होशियारी है ये आप अभी से सुधार करेंगे तब तो उनकी जो गलतियाँ हैं सही, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा होता है कि व्याकरण के ध्यान आपका काम आपको ध्यान में सारी चीज़ें लगी ही लगी होनी चाहिए, चौथा छोटे छोटे पहले देख लो क्या मानव में पहले बता रहा हूँ ना, सुधारने को भी मैं आगे उसकी भी चर्चा करूँगा, बिना उसकी चर्चा के तो आगे बढ़ेंगे, तो पहले तो ये भी जानना होगा कि मानव क्या है, मतलब सुधार के लिए बता दो तो आप नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं पहले मानक तय कर दे रहा हूँ कि अभी इस मानक भी होंगे तब आपको उत्तर नहीं होगा, और उसके बाद सुधारने के लिए मुझे आगे अगली दो बार जो होगा, इसलिए मैंने इसको तीन भागों में बांट दिया, पहला भाग है कि उत्तर लेखन का महत्व, क्योंकि मैंने आपको बता दिया महत्व उसकी उपयोगिता से होता है, किसी भी चीज़ का महत्व उसकी उपयोगिता से होता है, ठीक है, उपयोगिता इसे आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैंने बता दिया और इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन या UPSC के संदर्भ में दोनों भागों को देख कर देख भाई क्या वेटेज है इसका, कितनी उपयोगिता है इसका, महत्व मैंने डिस्कस किया है, और दूसरा मैंने अभी मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि अच्छा उत्तर कैसा हो, हमारी हेडिंग है देखिए आप कि अच्छा उत्तर कैसा हो, यानी कौन सा ऐसा मानक है जो इसे करेंगे ना बेहतरीन उत्तर किस प्रकार का होगी बहुत अच्छा है, उसके बाद तीसरा जो हमारा सेगमेंट होगा कि वो तीसरा इसी बात का होगा कि अच्छा उत्तर लिखें कैसे, ठीक है, किस प्रकार काम करें कि हम अच्छा उत्तर या उत्तर लेखन में इसे सत्यता हासिल करते हैं, ठीक है, तो इसमें जितनी जन बचे हैं उसके लिए छोटे छोटे होंगे, ठीक है, उसके बाद लिखो गति एवं शब्दों का चयन ठीक हो, गति उस समय एनर्जी में जो लेबर होता है कि कोई मान लीजिए दुनिया में हमारे सामने कोई
हैवी नहीं है, ठीक है। अगर आप थोड़ा तेज नियंत्रण करना चाहिए तो फ्री निकालने की सिचुएशन में है, तो फ्री निकालने की सिचुएशन में मैं था, थोड़ा जो है मेहनत करता तो ये बात है कि इतना गाने का आपके नहीं था, क्योंकि इतना इतना कुछ हाई करने आ जाएगी आपको हमें नहीं मिल जाएगा इतना पढ़ने का। तो टाइम जो होता है फ्री का रिजल्ट आने का मैं करता हूँ ज़्यादातर डेढ़ महीने को नहीं, क्योंकि पहले जो सिलेबस मैंने देते थे तो अपना होते, ठीक है, जो भी बच्चा जानता होगा सिलेबस देता हो तो अपना होते थे, और जी एस का पेपर होता था पी सी एस का, वो विकल्प भी होता था, वो विकल्प भी होता है, तनाव होता है, उनको पढ़ना पड़ता है, रटना पड़ता है, बहुत सारे तथ्य जो आपको याद होने चाहिए सर्टिफिकेट बताएँ, ठीक है। तो आपको वो विकल्प भी पढ़ना है, आप मन पढ़ना भी नहीं तो उर्दू पढ़ना चाहिए, एक सब्जेक्ट से तुम्हें पी जी कर रहा था उर्दू में हमारी जबान ठीक हुआ, भूगोल मेरा भूगोल से पी एच डी कर रहा हूँ, भूगोल से हमारा एम ए नहीं है, भूगोल से हम नेट नहीं पढ़े, उसमें हम मानते हैं कि थोड़ा एक लेवल पर बन गए, लेकिन एक सब्जेक्ट को दूसरा भी तो आपको लेना है, उसको खेल में तैयार करना है, कोई भी विषय कोई जीवन में आप पढ़े नहीं जा रहा उसके बारे में, बुनियादी समझ उसकी नहीं है, उसको आप तुरंत ले लो तुरंत अच्छा उत्तर लिखा शुरू कर देंगे, कैसे समझो बिल्कुल बेकार बात है, हम लोग लगा नहीं आ सकते होते हैं पहली बार में जो है, हालांकि पहले पहले मैच में भी हमारा मन खराब नहीं था, लेकिन नंबर सही आने में कभी नहीं हुआ, या वो भी होगी थी लिए वैसे नंबर देखे हुए, लेकिन नंबर मतलब संतोषजनक कह सकते हैं था, लेकिन अच्छा था बिल्कुल नहीं कह सकते, आठ सौ पाँच नंबर मिला था, तो जो इंटरव्यू पास हुए थे वो आठ सौ सत्रह नंबर थे पहले दिन से, यानी वो आप पास नहीं होंगे तो एक नंबर सही हो जाता मेन्स का, तो इंटरव्यू पास हो जाता। इस कॉन्फिडेंस में क्योंकि हमारे कह रहे थे कि पहुँच के वक्त तोड़ ही देना है, शुरू में मान लीजिए बीस क्वेश्चन आपके अपना पंद्रह आते हैं पहले रहते थे, अब तो आपने बीस कर दिए, लेकिन अपने यहाँ कर दिए पंद्रह क्वेश्चन, पाँच क्वेश्चन थे तो भाई क्या ना पाँच पाँच थे, क्योंकि पसंद मार्क्स आए थे पंद्रह थे, पाँच में लोग घंटे लगे और क्यों घंटे लगते हैं पता नहीं था, यानी एक घंटा इतना जल्दी घंटा कैसे होता है, टर्न लग गई आप दो पंद्रह क्वेश्चन इतना है घंटा बिक गया दो, तो आप और आपकी पढ़ाएंगे अगले अगला जो एक घंटा होगा उसमें आप ज़्यादा कुछ भी पढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा कर पाएंगे, तो तीन क्वेश्चन या चार क्वेश्चन रहेंगे दो पहले मिले एक घंटे में, चार दूसरे घंटे मिले छः पढ़ने पहुँच गए, अब तीसरे घंटे में आपको कई पढ़ने ना पढ़ने मर गए तो पहले आधा तो सात घंटे जो निगरानी को तीसरे घंटे में छः क्वेश्चन लिख देंगे, ये सब होता है तीसरे घंटे में छः पढ़ ले तब भी तीन छूट भी गया, और जो आपके गैप किए हैं एक घंटे में दो लिखे हैं तीसरे घंटे में चार लिखे हैं तीसरे घंटे में छः लिखे हैं या फिर पढ़ भी दिख जाता है, ठीक है। शुरू में यार काफ़ी पढ़ते जा रहे हैं देखेगा देखेगा शुरू में राइटिंग भी इसकी ठीक ठाक रही है, लिखा भी थोड़ा बहुत अच्छा है लंबा भी लिखा लास्ट में पहुँच के पूरा राइटिंग भी चौपट हो गई लिखे भी थी रही काम वो मन ही जाएगा कि इनका जो समय प्रबंधन ये भी आता ये मैसेज आपने बहुत मतलब कहते हैं कि खुशी खुशी दे दिया इसको काफ़ी सेक्टर में, लेकिन भैया हमारा समय प्रबंधन बहुत घटिया है, एक क्वालिटी होती है, ठीक है, कह सकते हैं प्राथमिक गुण जो होता है समय प्रबंधन, तो हमें बता देंगे हमारा बहुत मोस्टली आई सी यू में समय प्रबंधन जो काम जो है करना है उसको समय मान नहीं पाते हैं कम क्या करना है, 9 बजे सो उठाएंगे 11 बजे सो उठाएंगे उठते ही नहीं कि 11 बजे से पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये मैसेज आपने देखा आपका समय प्रबंधन अगर ठीक होगा तभी आप जो है उत्तर लिखने का समय हर क्वेश्चन के जो है एक अनुपात में समय आप डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा ना हो कि पहले 10 क्वेश्चन में आप 3 घंटा लगा ढाई घंटा लगाते हैं और अगले 10 क्वेश्चन में आधे घंटा लगाते, ठीक है। तो आपको तो 6 मिनट आपने अलाट कर दें, एक क्वेश्चन को 6 मिनट में लिख लेना है तो आप 5 में लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कब संभव होगा प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है, तभी संभव होगा, ये कोई एक दिन की या एक रात की बात नहीं होती, इनके अंदर तो पानी पी लीजिए इसका ठंडा पानी।
समय पर उनका नाम सजीव समय से काम करना
तेजी से काम करता है और शुद्धता के साथ तेजी से काम करता है। ठीक है, नहीं कि घर वाले भेजे जाओ या दही ले आओ सुबह भेजे हैं बाहर निकलोगे कई बार ऐसा होता है क्योंकि इस कंपनी में आ जाता है कि आपका जो समय प्रबंधन को गड़बड़ है ही स्मार्टनेस को कहीं आपके आस पड़ोस में नहीं है। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी क्या है अभी आपको कोई भी मंडी एफ आई आर करना है तो जाना पड़ेगा, आपके थाना में कस्टम में होगा वहाँ जाना पड़ेगा, आपको कुछ लोगों को ऐसे लोगों फेस करना पड़ सकता है जिसको आप अपेक्षा भी नहीं की। स्मार्ट सिटी क्या होगा, घर पर बैठे हुए आप ऑनलाइन फोन काम कर सकते हैं, फायर भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट चाहिए आप ऑनलाइन निर्माण कर सकते हैं, एजुकेशन चाहिए ऑनलाइन कर सकते हैं, मॉनिटरिंग प्रणाली में होती है तो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, हर गली में होने सी टी वी कैमरा तो ये अपराध को तुरंत आने ट्राफिक पकड़ में जाए। आज एक अपराध होता है तो एक अपराधी को पकड़ने में लग जाता है 6 महीने उसकी गिरफ्तारी तब तक हो गया नहीं पाते। ठीक है, सी टी वी कैमरा सज्जित हो जाएगा सर, जल निकास की प्रणाली आ जाएगी, बरसाता ही तो आधा से बार डिलीट हो जाता है, गली मोहन में पानी भर गया। ठीक है, उसकी निगरानी की जाए बाकायदा कि जल निकासी प्रणाली कहाँ अवरुद्ध है, ठीक है, कहाँ पे कितनी ऊंचाई है, क्या है, कितनी बारिश हो सकती है, आपके मौसम विभाग जो 72 घंटे का आकलन करता है और आपका नगर निगम एक दूसरे से जुड़े रहे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हो गया कि भैया परसों बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना है तंत्र है वो उस प्रकार का अपना स्मार्ट में दिखाते हुए स्थिति जो है प्रबंधन करेगा क्या भैया गेहूँ का भू डाइवर्टेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जल निकासी प्रणाली की क्या व्यवस्था हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कितने कैनिकों को जरूरत पड़ेगी, ऐसा भी होता है कि कुछ लोग फंस भी जाए पानी में तो हमारे पास में जो आपदा राहत दल है बचाव कर्मी है उनको रेड अलर्ट कर दें कि हाँ भैया तैयार नहीं करें, इस प्रकार की तैयारी होती है जो आपदा की पूर्व होती है उसको हम कर सकते हैं आसानी से। ये सब क्या है स्मार्ट सिटी की लक्षण, उसी प्रकार से आधुनिक का लक्षण होता है और उसका लेखन पढ़ रहे हैं एंसर राइटिंग स्किल पढ़ रहे हैं तो एंसर राइटिंग स्किल में स्मार्टनेस कैसे है, जिसे आपको उत्तर लिखना है अपने भूमिका लिखनी बढ़िया सा सुंदर सा, उसके बाद आपको चित्राटा का प्रेजेंटेशन फ्लो चार्ट बना या हाँ फ्लो चार्ट बना सकते हैं, जितने भी मतलब एक तरह से ऐसे अपने उन्होंने बता फ्लो चार्ट उन्होंने बता दें पहला ग्राफ आप छोटा छोटा बना सकते, लेकिन एक पहला ग्राफ बना दिए 15 लाइन इस तरह का आदमी पढ़ी इतना लिख दिया है बिंदु आर से लिखी मान लीजिए इन्हीं तत्वों को जितना लिखो मैं ने लिखा है मान लीजिए ठीक है, इन तत्वों को आप लाइन टू लाइन लिख सकते हैं कि हम ये बच्चे तत्व में पैराग्राफा हो मानविकता हो ये हो पैराग्राफ आपको बन जाएगा और इन्हीं शब्दों को आपने अपने उत्तर में ऐसे गोला बनाया है ठीक है, उसमें लिखा है अच्छे उत्तर की विशेषता, अच्छे उत्तर की विशेषता ठीक है, हम ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके चार उत्तर लिखेंगे, इसको ब्लैक पेन से कर देंगे वो उत्तर दीजिए ब्लू पेन से कर देंगे तो क्या फ्लो चार्ट अब इस प्रेजेंटेशन जो आपका किया अच्छा हो जाएगा नहीं वहाँ पर हमें ज़्यादा आसानी करेगा पढ़ना कि इसको ज़्यादा आसानी करेगा या आप चीज़ों को बिंदुवार लिखेंगे तो इसको ज़्यादा आसानी करेगा पढ़ना कि आप अलग अलग एक दूसरे ऊपर दूसरे में जहाँ नहीं लिखना वहाँ भी लिखती है या कोई डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं आपने मान लीजिए भी मैंने एक उदाहरण दिया था कि उत्तर प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास के आंकड़े आपको दिखाना है तो आप सोचा दिखा सकते हैं कि भैया 2020 में उत्तर प्रदेश की यहाँ पे सन लिख दिए या वर्ष लिख दिए
यहाँ पे विकास नवी थी विकास, ठीक है। 2020 में मान लीजिए मैंने लिख दिया कि हाँ भैया 5.3 7 2021 में लिखी 6% 2022 में लिखी 6.5 लिखी 2023 में लिखी 4.5। अभी हमने विकास दर को दिखा दिया, क्या हो गया विकास दर को दिखा दिया कि भाई उत्तर प्रदेश की जो सामाजिक आर्थिक विकास की जो दर है देखो इस प्रकार से है, हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब ये अगर हम लाइन लाइन में लिखते भैया 2010-20 में इतना इक्का देखे 21 में इतना नहीं करते तो ना तो पढ़ने में इंटरेस्ट आपका लगता और ना तो वहाँ पे एग्जाम में पहले इंटरेस्ट होता और ना समझने में होता, लेकिन आपने विद्वार दिखा दिए, ठीक है। इसी प्रकार का प्रेजेंटेशन करते समय आपने सारी चीज़ों का आप प्रयोग कर देते हैं कि आप लोग उत्तर स्मार्ट और उसमें स्मार्ट तो लगता ही लगता है, उसमें और चीज सबसे बड़ी चीज होता है उसमें आपका समय बचता है, ठीक है। समय प्रबंधन आपका तभी होगा, ठीक है। आपको हर उत्तर मान लीजिए एग्जाम में कहता है कि आपको 150 शब्द में आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको गिन के 250 शब्द ही लिखना है, इसे कम नहीं होना चाहिए। अगर जो प्रश्न में पूछा गया है कि इस बात को बहुत विशेष रूप में आपको ध्यान दीजिएगा कि जो प्रश्न आपसे पूछा गया है अगर आप उसको 170 शब्द में भी आप अंधा ले जा रहे हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, इसमें नंबर की कटौती नहीं होगी, ना कभी आपके शब्द गिने जाएंगे, ठीक है। मूल बात है कि कितना सरल कर दे ढंग से आप समझा ले, तो जो हम पूछे हैं वो हमको बता दिए बात खत्म, ठीक है। वो आप 250 में बता रहे हैं, 240 में बता रहे हैं कि 170 में बता रहे हैं, तो अगर आप 170 में बता दिए तो आपके 80 शब्द लिखने का समय बचा कि नहीं बचा, एक लाभ ये हुआ। दूसरा लाभ ये हो कि सामने वाला जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो आसानी से बात को समझ भी जा रहा है, ठीक है, दो लाभ हुआ। तीसरा लाभ ये हुआ कि देखने भी अच्छा साफ सुथरा लिखा, बहुत बढ़िया इसने समय का भी प्रबंधन किया है, आगे भी अच्छा लिखा है, ठीक है। तो सारे प्रश्नों को तक जब आपका समय इसी प्रकार से आप 30-30 सेकेंड समय अगर हर प्रश्न में बचाएंगे तो आपके पास लास्ट में 10 मिनट समय बच जाते हैं, 10 मिनट समय का मतलब हुआ कि आप एक प्रश्न सिर्फ लिख सकते हैं, इस प्रकार की कटौती प्रबंधन आपका हर जो है उसमें होगा, स्मार्टनेस आपकी होनी चाहिए आपके उत्तर लिखने के द्वारा, स्मार्टनेस होगा यही सारी बातें। तो ये विचार ये एक अच्छे उत्तर की सभी विशेषता है, अच्छा उत्तर होता है इसी पैरामीटर में देखा जाता है, कहीं नहीं कोई प्रश्न होगा इन्हीं पैरामीटर पे एक अच्छे उत्तर को देखिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न उठता होगा आपके दिमाग में क्या है, बता दिए ज्ञान दे दिए लिखें कैसे अच्छा होगा। अब तीसरा जो स्टेटमेंट है वो इस बात से होगा और उस तक तो वही होगी क्या टाइम हो गया तीन बातें महत्वपूर्ण होती है, इतना पैरामीटर भी आप
तीन बातें जब तक आपकी मजबूत नहीं होंगी तब तक आपको हक नहीं होगा। ठीक है, तीन बातें जो हैं, ठीक है, उन्हीं तीन बातों को जिस दिन आप इम्प्रूव कर लेंगे उस दिन आप अच्छा उत्तर लिखना शुरू भी कर देंगे, उस दिन आप लिखने कोई झिझक नहीं। और वो तीनों बातें ऐसी हैं कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, वो आप बिना एक दूसरे के शुरू ही नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो है नॉलेज, ठीक है, पहली जो बात है अभी इसको हम स्पष्ट करेंगे कि नॉलेज का मतलब क्या है। हाँ, मैंने कानून लग गई होता है नॉलेज। दूसरी जो बात होती है